बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट और मॉडल पूजा मिश्रा एक बार फिर विवादों में है। इस बार उन्होंने दिल्ली के करोल बाग में एक स्टोर में स्टाफ से मारपीट की है। पूजा मिश्रा ने रविवार देर रात करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास एक स्टोर में जमकर हंगामा किया और स्टोर के स्टाफ से बहस के बाद गाली गलौज और मारपीट की। घटना के बारे में स्टोर के स्टाफ और गार्ड की माने तो मॉडल पूजा मिश्रा के पास एक पिस्तौल भी थी। गाली गलौज के बाद ही पूजा मिश्रा ने अपने बैग से पिस्तौल निकाला और स्टोर के कर्मचारियों और ग्राहकों के सामने हाथ में लेकर उन्हें डराया। हंगामे के बाद लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस पूजा को अपने साथ ले गई और मामले की जांच कर रही है। पुलिस स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच चल रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस बात पर ही हंगामा शुरू हुआ। पहले भी होटल में कर चुकी है हंगामा। ये पहला मामला नहीं है जब पूजा विवादों में आई है। इससे पहले भी पूजा का एक वीडियो आया था जिसमें पूजा ने एक होटल के स्टाफ के साथ मारपीट की थी। नई दिल्ली से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए मनीषा की रिपोर्ट। Please, please, please.